गुड मॉर्निंग ऑल डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में और कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम इंग्लिश करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द गिवन लेटर। दिस कॉम्पिटेंसी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न और प्रैक्टिस द साउंड्स ऑफ ऑल द लेटर्स एंड एसोसिएट द लेटर विद द रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं C4। यहाँ पर पिक्चर दी गई है और बच्चों को चारों पिक्चर्स में से सी से क्या बनता है वो यहाँ पर हम मैच करेंगे। सी से क्राई, क्राई मीन्स रोना, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हम इस पर टिक कर देंगे। H4, H4 क्या होता है? हॉकी। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। G4 जीब्रा। ठीक है, तो इस प्रकार हम एग्जांपल लेंगे पिक्चर्स के साथ। एक्सरसाइज 1 है, टिक द पिक्चर दैट स्टार्ट्स विद लेटर सी। अब यहाँ पर चार पिक्चर्स दी गई हैं, तो टिक करना है जो पिक्चर्स सी से शुरू होती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे चार पिक्चर्स है, तो C4 कॉम, तो हम इसके ऊपर कॉम के ऊपर टिक कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट बिगिंस विद लेटर ई। ई से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कल करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो ई से स्टार्ट होता है उस पर क्लिक करेंगे। E फॉर ईयर। और देखो, E फॉर ईगल, E फॉर एग, E फॉर एलिफेंट। और क्या है बच्चों, देखो एक्सरसाइज नंबर 3, टिक द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट स्टार्ट विद लेटर जे। दैट डज नॉट स्टार्ट, जो शुरू नहीं होता है किस लेटर से, जे। ये आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो, जे से जूस होता है, जे से जैकेट होती है और जे से जग भी होता है। लेकिन जो ये पिक्चर है क्रोकोडाइल, ये तो सी से शुरू होता है, तो हमें इसको सर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, मैच द अल्फाबेट विद द पिक्चर स्टार्टिंग विद द सेम अल्फाबेट। अब यहाँ पर कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, उनको पिक्चर के साथ मैच करना है जिनसे वो स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहला लेटर है एन। क्या है? एन। तो एन से हमें मिलान करना है जो इस पिक्चर के अंदर दिया गया है। तो क्या है, आप ढूंढें एन से क्या बनता है। नेस्ट, एन फॉर नेस्ट। नेक्स्ट लेटर है जी। जी से क्या बनेगा देखो पिक्चर में, ढूंढो। यस, जी फॉर गोट। नेक्स्ट लेटर है हमारा एच। एच से देखो क्या बनेगा, एच फॉर होम। आगे है ओ। ओ से देखो क्या बनेगा, ओ फॉर ऑरेंज। आगे है एस। एस से देखो क्या बनेगा, एस फॉर स्नेक। और लास्ट में बचा हमारा यू, यू फॉर अम्ब्रेला। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इन पिक्चर्स को मिलाना था, मैच करना था जिनसे ये फर्स्ट अल्फाबेट स्टार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार जो ये हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग थी, तो आप भी इसी प्रकार से नई नई एक्टिविटी बनाएं। तो ये थी हमारी कॉम्पिटेंसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द गिवन
लेटर। इस प्रकार ढेरों एक्सरसाइज आप बना सकते हैं जिससे बच्चे जल्दी से और अच्छे से सीखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कॉम्पिटेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।